अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बारी है जी मर्च की पनीर लगाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे वर जहाँ भी अपने फैमिली के साथ खुश होंगे और हंसते होंगे। इसी दो के साथ करते हैं आज का वाला शुरू। तो वाला शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर लें। अभी जी तीसरे दिन के बाद मैं कल लाहौर से वापस आया था। अभी गाँव का जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार है। उधर तो फोग तो गैसें वगैरह, लाहौर का माहौल जी अच्छा इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में। लाहौर से मैं लेके आया था मंडी से पनीरी मिर्चों की, प्याज की जी। अभी वो खेत में जाकर लगाते हैं, पहले जगह बनाते हैं फिर लगाएंगे। पनीरी मैंने ले ली है और साथ जी सारा सामान भी मैंने ले लिया। अभी निकलते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह और पनीर लगा के आते हैं। ये रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह शलजम हमारे। इन सारों को हम लोगों ने उखाड़ के ना और जगह को लेवल करके तो फिर इधर लगानी है जी प्याज की पनीरी, और जो ये खिले हैं ना लहसुन की, इसके ऊपर लगाई जाएगी मिर्चें जी। अभी सारे को उखाड़ना है, वो सामने तक जो सारे गोंगलू है ना इन सबको उखाड़ के तो जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इधर लगाई जाएगी जी प्याज की पनीरी जी। इधर मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान निकाल लेते हैं बाहर जी। ये रही जी प्याज की पनीरी, चेक करो माशाल्लाह जी। ये रही जी मिर्चों की पनीरी जी, मिर्च जो होती है ना हरी उसकी पनीरी, चेक करो जी माशाल्लाह जी। इसको पहले उखाड़ लेते हैं सारे के सारे को, शलजम जितने भी हैं जी। ऐसे करके ऐसे जी शलजम जितने ज़्यादा मोटे न हुए, सिर्फ बरीक बरीक शलजम है, लेकिन सारे के सारे उखाड़ने हैं जी। जी मेरी तरह जी चीज़ को लगा ही देना जी बड़ी बात नहीं होती, उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना जी सबसे जो ना इम्पोर्टेंट काम होता है जी। हम लोगों ने इतना ज़्यादा बीज डाल दिया था शलजम का, लेकिन जी शलजम हुए हैं छोटे छोटे जी। हमसे एक गलती से बीज थोड़ा सा कम डालना था और जगह ज़्यादा होनी चाहिए थी जी। इतनी जी इंसान गलती से सीखता है, नेक्स्ट जब इंशाल्लाह गोंगलू उगाएगा ना तो बीज कम डालेंगे हम लोग जी। अभी जी ये गोंगलू उखाड़े हैं और इधर ये उखाड़े हैं, ये अभी रह गए उखाड़ने वाले जी, अभी ये उखाड़ते हैं जी। मुश्किल तो होता है जी कि चीज़ को बड़ा करना, मसलन के किसी भी चीज़ की ग्रोथ जो है ना वो मुश्किल से होती है, लेकिन जब उसको काटना हो बर्बाद करना हो तो सैकड़ों की बात है। मेरी तरफ देखो जी, मैं जी कितनी जल्दी जल्दी जी उखाड़ रहा हूँ, लेकिन इस पर कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है कोई भी चीज़ बड़ी करने में ये हमें नहीं पता जी। अभी जो मिर्चों का बीज लगेगा ना उस पर कितनी मेहनत लगनी है वो आप सबके सामने होना। ऐसे सारे के सारे जो छलजम उखाड़ने, फिर जी इसको लेवल करके फिर पनीरी लगाई जाएगी इस पर जी। अब जी ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे उस वक्त जी, आदमी हाथों की मदद से बैल की मदद से जी कितनी कितनी ज़्यादा जगह उसमें हल चला देते थे, लेकिन अभी जो जनरेशन है उससे जी थोड़ी सी जगह में हल चलाना जी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी भाई बराल भी घर से आ गया मदद करवाने के लिए, तो वो जी जगह को खरीद के और मसलन के लेवल कर रहे हैं जी। फिर इसमें हम लोग लगाएंगे जी पनीरी मिर्चों की और जी साथ प्याज की जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे की सारी जगह की मैंने सफाई कर दी अच्छे से, चेक करो जी माशाल्लाह जी। अभी ये सारा घास फूस मैंने बाहर निकाल दिया, ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होगा। अभी जी दोबारा एक बार ज़मीन को खरीदेंगे ताकि ज़मीन अच्छी तरह नरम हो जाए, फिर जी इसमें जो है ना वो प्याज और मिर्च की पनीरी लगाई जाएगी सारी की सारी टोटली जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे का सारा जो खेत है मैंने लेवल कर दिया, अभी इसमें लगाई जाएगी जी मिर्चें और साथ ही प्याज। अभी लगाते हैं जी और आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रही पनीरी, चार गुच्छियाँ जी प्याज की पनीरी है और दो गुच्छियाँ मिर्च की पनीरी है जी। अभी इस जगह में पूरी नहीं होनी जो प्याज की पनीरी है ना, ये सिर्फ आधे खेत में लगी जाएगी फिर ये ख़त्म हो जाएगी जी, फिर न्यू लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसको लगाते हैं जी प्याज की, ये गुजरा मिर्चा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रही प्याज की पनीरी, अभी जी इसको लगाते हैं इधर जी माशाल्लाह। किदन पिछली दफ़ा जी हम लोगों ने इस मौसम में आलू उखाड़ के ना फिर जी लगाई थी प्याज की पनीरी, लेकिन इस बार हमने आलू नहीं लगाए, तो अभी जी हम लोग लगा रहे हैं जी प्याज की पनीरी। पिछली बार हम लोगों ने प्याज भी ज़्यादा लगाया था जी, कम से कम चार पांच मरले जगाया थी, इस बार जी एक मरला भी जरा मसल के बड़ी मुश्किल से होगा जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज की पनीरी लगा रहे हैं जी, तो इसको पानी वगैरह हम लोगों ने नहीं देना इतना ज़्यादा भर के, क्योंकि सलाब और जी नमी बहुत ज़्यादा खेत में जी, इसी वजह से ये ऐसे ही चल पड़ेगा। फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इसको हम लोग बढ़ के पानी लगाएंगे जी।
भी चेक करो जी, सियाने कहते हैं जी 1-1 और 2-11 जी, दो हम लोग आदमी लगे हुए हैं जी, तो कितनी ज़्यादा हम लोगों ने जल्दी जो है ना पनीर लगा लिया अपनी, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ऐसे ही जी थोड़ा थोड़ा खरीद के ज़मीन को फिर जी पनीर इसमें लगाई जानी है जी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक करो कितना प्यारा जी लग गया जी प्याज का कण, बोलते हैं इसे पंजाबी में। तो प्याज की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह लगा दी है, अभी रह गई जी मिर्चों की पनीरी। तो मिर्च की पनीरी मैं सोच रहा हूँ जी लहसुन के जो ना बीच में लगाई जाए, मैं कि 2-3 इधर से पौधे उखाड़ते हैं, 2-3 इधर से और जी इसके बीच में लगा देते हैं, कि जब जी लहसुन उखाड़ा जाए तो जो ना मिर्च की पनीरी वो तैयार हुई हो, उसको मिर्चें पड़ी हुई हों जी। अभी देखते कुछ ऐसा करते हैं जी, क्योंकि इधर तो जगह सारी की सारी कवर हो गई है जी, चेक करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब बारी है जी मिर्च की पनीर लगाने की, जगह नहीं थी मिर्च की पनीर लगाने के लिए, तो मैंने अपने लहसुन में से कुछ कुछ लहसुन उखाड़ा है, जैसे जी ये आप देख सकते हैं जी ऐसे जी, तो इसमें लगाते हैं और जब लहसुन उखाड़ेंगे तो पौधे बड़े हो गए होंगे, फिर भी अच्छा काम रहेगा, अभी इसको लगाते हैं। अगली दफ़ा जी मैंने सारी पनीर लगाई थी मिर्चों की, और जो बताऊँ की पनीर भी लगाई थी और भी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा लगाई थी भिंडी भी की, तो जी अप्रैल में जाके ना तो पड़ी जी ऐन बहुत ज़्यादा ऐन पड़ी, मतलब कि जैसे ओले बोलते हैं जी, तो सारी सब्ज़ी होगी ख़राब। इसी इस बार देखो जी अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अभी पौधे छोटे हैं, अगर पानी लगा तो सारे जी उखाड़े जा सकते हैं जी, इसी वजह से हल्का हल्का पानी दिया जा रहा है ताकि पौधे एक बार जमीन पर अपने जड़े भरा ले, फिर जिनको भर के पानी लगा जाएगा जी इंजन की मदद से जी। अभी ऐसे पानी देते हैं छलकाड़े की मदद से, जी हम लोगों ने प्याज की पनीरी भी लगा दी है, और इधर चेक करो जी माशाल्लाह मिर्च की पनीरी भी लग गई है जी, तो कुछ पनीरी बच गई है वो लेके जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि हमने बहुत सारी पनीरी जो है वो लगा दी है जी, उसको उठा के तो घर लेके जाते हैं हम लोग जी, पनीरी भी साथ ले सकते हैं जी। सर फाड़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे कामों से इधर से मैं फारग हो गया, अभी जा रहे हैं जी घर, और जाके जानवर को डालना चाह रहा, टाइम तकरीबन 1:30 बज गया और जोहर की जान भी होना स्टार्ट हो गया जी। ये रहा जी अपना सामान, और शिजात को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है, ये कह रहा अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करना है जी, क्योंकि ये भी यूट्यूबर है शिजात व्लॉग व्लॉग के नाम से जी, व्लॉग एडिट कर रहा था तो जी एंड नहीं किया हुआ था जी, तो मैंने कहा व्लॉग का भी एंड कर लेते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा जी मुझे कमेंट पर जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल का जरूर बताते ताकि मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।